हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। आज हम एक समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन देखने वाले हैं, ज्योमेट्री का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, आपको दिया गया है, तो हमने यहाँ एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। कोण एडीसी 117 डिग्री। तो एडीसी जो कोण है वो 117 डिग्री, यानी कि अधिक कोण है। तो इन दोनों में से कोई जो है वो कोण डी हमको देना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो कोण ए डी सी, इसको हम कह देंगे 117 डिग्री, ठीक है ना। अधिक कोण है, क्योंकि न्यून कोण होता तो हम यहाँ ले सकते थे, इसलिए इसके नाम जो है चित्र, अगर एग्जाम में नहीं बना आता है तो बनाते समय बहुत विशेष ध्यान रखिए इस चीज का, वरना गलती हो जाएगी। तो अधिक कोण हो गया ये, ठीक है ना। कौन सा? एडीसी 117 डिग्री, और डीसी भी आपको दिया 147 डिग्री। डीसीबी ये भी अधिक कोण है, तो हमने सही लिया है, 147 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा है कोण डीएबी का मान क्या है, कोण डी ए बी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कौन सा? डी ए बी, ये जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, यहाँ पर केवल दो को जो है एंगल दिए गए हैं, चार एंगल होती हैं चतुर्भुज में, टोटल 360 होता है, हमको मालूम है। हम इन दोनों को जोड़कर 360 में से अगर घटा भी दें तो हमको इन दोनों का टोटल मिलेगा। ये एक एंगल कितना होगा ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में केवल ये दो भुजाएं जो है आमने सामने की वो समांतर होती हैं, ये दोनों नहीं है, लेकिन सी डी और ए वी ये दोनों समांतर हैं, ठीक है ना। ये समलंब चतुर्भुज की कंडीशन होती है। अगर आपको समलंब चतुर्भुज क्या होता है ये नहीं मालूम है, तो प्लीज हमारे क्षेत्रफल और मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सारे वीडियो देखिए, तो आपको ये जो आकृतियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो आपको ये ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोण ए हमको निकालना है, और सी डी और ए बी क्या है? समांतर है। अब ज्योमेट्री के पार्ट वन या टू में मैंने आपको बताया था इस तरह की आकृति ड्रॉ करके मैंने, कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एकांतर कोण बनते हैं। अब एकांतर कोण क्या होती है? ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं? एकांतर कोण है, और ये बराबर होते हैं। ऐसी सेम एज इट इज, ये कोण और ये कोण ये भी एकांतर है, ठीक है ना। तो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटे, तो यहां पर सी डी और ए बी समांतर रेखाएं हैं, और तिर्यक रेखा कौन सी हो गई यहां पर? ये ए डी। ए डी क्या है? एक तिर्यक रेखा हो गई। तो अब यहां पर एकांतर कोण क्या बनेंगे? अब अगर मैं इसको और अच्छे से समझने के लिए लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण, ये वाला बाह्य कोण, और ये कोण, ये कैसी हैं? एकांतर कोण है, और ये बराबर होंगे। तो अगर आपने ये कोण निकाल लिया तो ये एंगल भी निकल आएगा, सिंपल हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब देखिए, सीधी सरल रेखा कंसेप्ट लगा दीजिए। सीधी सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? और 180 में से 117 ये हो गया, तो ये कोण कितना बचा? ये कोण कितना बचा? 63 डिग्री बचा, ओके ना। 63 डिग्री बचा ये कोण। अगर ये 63 हो गया तो ये भी कोण कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। तो उत्तर आ गया हमारा 63 डिग्री। सिंपल क्या किया हमने, एक बार फिर से समझ लीजिए। समांतर रेखाएं थी समलंब में दो, अगर समांतर को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनती है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण हमने कैसे निकाला? सीधी सरल रेखा का टोटल 180 होता है, 180 में से 117 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 63 डिग्री बचा ये कोण। अगर ये 63 है तो एकांतर के नियम से ये भी 63 होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी लोग इसको छोड़ के आते हैं, क्योंकि तो जनरली हम पहली बार देखते हैं तो यार दो कोण दिए हैं, बाकी दो नहीं दिए, तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत से लोग तो ये भी बोल देते हैं क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो आप याद रखिए, ध्यान रखिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, गुड बाय।